कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से, शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, ये इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं देवताओं में। आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है, बेलपत्र आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं, छह, उसमें हनुमान रतिमान व्रतिमान मतिमान गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज से 28 नवंबर से गुरुजी की नई कथा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आरंभ हो गई है। इस कथा का नाम श्री शंकर सुमन सुंदर सिंह महापुराण कथा है। आज की इस कथा में गुरुजी ने बताया है कि हनुमान जी भगवान शिव का ही एक रूप है, उनका ही एक अंश है। इस कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर नायाब आसान उपाय बताया है जो आप कर सकते हैं। यह उपाय रोगों से मुक्ति के लिए, आपको कैसा भी रोग हो आप यह उपाय करें, उससे मुक्ति में आपको आसानी होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं उपाय करना कैसे है। आपको करना क्या है, आपको एक बेलपत्र, दो शमी पत्र और लाल चंदन लेना है। पहले आपको बेलपत्र लेना है, उसकी जो आजू बाजू की दो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर आपको एक एक शमी पत्र रखना है। शमी पत्र रखने के बाद उसके ऊपर लाल चंदन दोनों पत्तियों पर रख देना है और बेलपत्र को उठाकर श्री हनुमान जी महाराज और उनके भाई गतिमान का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। यह कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको बेलपत्र और उसके ऊपर दो शमी पत्र लाल चंदन रखकर शिव जी को समर्पित करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। हम आशा करते हैं आपको उपाय समझ आ गया होगा। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।